हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज की इस वीडियो में बात की जाएगी क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 3, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें प्रूव करना है prove that cos pi by 4 minus x cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus y is equal to sin x plus y। तो हम इसमें क्या करेंगे, ज्यादातर हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में ज्यादा कुछ है नहीं सॉल्व करके जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेकर आए। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में बहुत कुछ चीजें दिखाई दे रही है जिसको हम सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल ला सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन शुरू होगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, कोस पाई बाय फोर माइनस एक्स कोस पाई बाय फोर माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स साइन पाई बाय फोर माइनस वाई। ये मैंने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया। अब थोड़ा सोचते हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाए जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी एक तरह की आइडेंटिटी से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स है, बहुत सारे तरीके से, बहुत सारी आइडेंटिटी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अभी मेरे को क्या लग रहा है कि इसमें सबसे आसान जो आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं वो ये है। अगर मैं क्या करूं, इस पूरी चीज को ए मान लूं और इस पूरी चीज को बी मान लूं, तो ये आपको किस तरह दिखाई देगा, कोस ए। इस पाई बाय फोर माइनस एक्स को मैंने ए माना हुआ है और पाई बाय फोर माइनस वाई को मैंने बी माना हुआ है, तो ये बन गया कोस। इसको मैंने ए माना हुआ है तो इसकी जगह पे मैं ए लिख दूंगा। उसके बाद कोस पाई बाय फोर माइनस वाई को मैंने बी माना हुआ है तो ये बन गया बी माइनस साइन पाई बाय फोर माइनस एक्स को मैंने क्या माना हुआ है, ए माना हुआ है, तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा ए साइन पाई बाय फोर माइनस वाई को मैंने बी माना हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, बी। अब थोड़ा सोचते हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसके इक्वल होता है। या अगर आपको नहीं भी याद आ रहा तो अभी याद आने वाला है आपको, कोस ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी याद कीजिए, कोस ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी। तो इसको मैंने कोस ए लिख दिया, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और फिर हमने इसको बहुत ध्यान से देखा, कोस ए कोस बी और साइन ए साइन बी को। और ध्यान से देखने के बाद ये पता चला कि ये किसके इक्वल होता है, कोस ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा क्वेश्चन को, या जो आपने आइडेंटिटी याद की है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ हमेशा इसी साइड से शुरू होगा, यानी कि यहां से सॉल्व करके हमें यहां पहुंचना होगा। आप उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, इस चीज को ये इसके इक्वल है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार ये राइट साइड आए और ये लेफ्ट साइड आए। क्या कर सकते हैं आप, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, कोस ए प्लस बी के इक्वल होता है। चीज वही है, चाहे इसको इसके इक्वल लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, क्या फर्क पड़ता है, बराबर ही तो लिख रहा है, बराबर है दोनों। तो मैंने क्या देखा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, कोस ए प्लस बी के, कोस ए प्लस बी के। तो इसको मैं यहां से हटा दूंगा। तो ये क्या है हमारी, ये है आइडेंटिटी। तो इसको मैं बॉक्स में रख दूंगा क्योंकि ये आइडेंटिटी है, तो थोड़ा अलग दिखाई देगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे ये आइडेंटिटी लगाते हैं,
कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है कोस ए प्लस बी। तो ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रही है क्या है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये पूरी की पूरी चीज कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू किसके होगी कोस ए प्लस बी के, यानी कि कोस ए प्लस बी के इक्वल होगा। ये पूरा का पूरा चीज किसके इक्वल होगा कोस ए प्लस बी के, लेकिन हम इसको ए मान के बैठे हैं, ये ए के बराबर नहीं है, ये ए नहीं है। तो हम वापस अपने रूप में आते हैं, तो कोस ए प्लस बी ए कितना हमारा पाई बाय फोर माइनस एक्स प्लस का बी, और बी कितना था हमारा पाई बाय फोर माइनस वन। तो एक बार देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू होता है कोस ए प्लस बी। तो मैंने भी वही किया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद कोस पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, माइनस का एक्स और माइनस का वाई। उसके बाद देखिए कोस पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर माइनस एक्स माइनस वाई। उसके बाद बाकी का पोर्शन मैं यहां लिख रहा हूं कोस टू पाई बाय फोर, तो टू और फोर आसानी से हम इनको एक दूसरे से कट कर सकते हैं, टू वन जा टू 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 जा फोर, तो ये क्या बन गया कोस पाई अपॉन टू। तो कोस पाई अपॉन टू माइनस एक्स माइनस वाई। उसके बाद क्या करेंगे कोस पाई बाय टू, ये जो माइनस है इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस वाई और कोस पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस वाई क्या होगा साइन एक्स प्लस वाई। क्यों होगा और कैसे होगा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। कोस पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस वाई, इस पूरे को मैं मान लेता हूं कि ये एक थीटा है, ये पूरा क्या है एक, इस पूरे को मैंने मान लिया एक्स प्लस वाई को थीटा। और इसको ध्यान से देखिए कोस पाई बाय टू को, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो पाई की जगह पर 180 रख लीजिए, बाय टू माइनस एक्स प्लस वाई। अभी कुछ याद आया नहीं आया कोई बात नहीं, टू वन जा टू और ये 90। अब कुछ याद आया अभी भी नहीं आया कोई बात नहीं, तो ये बन गया हमारे पास कोस 90 माइनस एक्स प्लस वाई। अरे अब तो याद आ गया होगा यार, जल्दी बताइए कोस 90 माइनस इसको मैंने क्या माना था थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा और थीटा कितना हमारे पास एक्स प्लस वाई, और यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। तो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे अब आर एच एस। तो इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन को और भी एक आइडेंटिटी से किया जा सकता है, आप उसको भी ट्राई कीजिए और आप उसके बाद हमें यह बताइए कि आपको कौन सी आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सोल्व करना इजी रहा, इस वाली आइडेंटिटी से या दूसरा जो ए प्लस बी वाला एक और कोस का फॉर्मूला है उस वाली आइडेंटिटी से। तो आप दोनों से ही ट्राई कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको आइडेंटिटीज को अप्लाई करना इजी रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा
और क्वेश्चन समझ में आ गया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी और मिलती ही रहेंगी। तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।